शाइना और राज ले रहे हैं सात फेरे। शादी के बीच में हुई पूर्णिमा की एंट्री। पूनम को आया अपना पिछला जन्म याद। आखिर इसके पीछे है क्या है राज? कल उस टीवी के शो कयामत से कयामत तक में शाइना की प्रेगनेंसी किट के साथ साथ शाइना का राज के पैसे लेकर भाग जाना और कनाडा में सेटल हो जाना, ये सब कुछ अब प्लान खुलकर सामने आ चुका है पूनम के। लेकिन पूनम फिलहाल कुछ भी नहीं कह पा रही है राज को, क्योंकि शाइना पूनम की बहन को किडनैप कर लेती है अपने आप को बचाने के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शादी का मंडप सज चुका है, दूल्हा दुल्हन बन गए हैं राज और शाइना और दोनों ले रहे हैं सात फेरे। इन्हीं सब के बीच में एंट्री हो जाती है पूनम की, जो अब पूर्णिमा की तरह बात कर रही है। वो राज से कहती है कि मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, मैं पुनर्जन्म लेकर आऊंगी और मैं तुम्हारी हूँ, मैं पूर्णिमा हूँ। ये सब सुनकर राज वहीं रुक जाता है। राज के चेहरे पर खुशी भी है और आंसू भी। क्या सच में पूनम को अपना पुनर्जन्म याद आ गया है, या फिर उसने शाइना को रोकने के लिए एक छोटा नाटक किया है राज से प्यार का, और इस चक्कर में कहीं वो फंस ना जाए। फिलहाल आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।